होता है, कैसे दशनावरणी आठों कर्म कैसे बनते हैं, ये विषय छठे अध्याय में आता है। किन कारणों से कर्मों का बंध होता है, कैसे आश्रय होता है। हाँ आरती बहुत सारा आपको आश्रय बैठिए, स्वाध्याय का लाभ लीजिए अभी, उसके बाद फिर आखिरी में आगे चढ़ाइएगा, है ना, बहुत अच्छी बात। हाँ तो मोक्ष मार्ग में मोक्ष शास्त्र एक बहुत बड़ा आपके लिए कुंजी है, सिद्धांत शास्त्र की यह कुंजी है। जैन अध्याय जैन ग्रंथ की गीता है, इसमें हम लोगों ने प्रथम अध्याय में एक से लेकर चार में अजीव तत्व को जाना, पांच में अजीव तत्व को जान लिया, और छठे में आश्रव जीव अजीव आश्रव, अब सातवें में आश्रव का दूसरा भाग है शुभाश्रव, दूसरा भाग शुभाश्रव, पहले अशुभ आश्रव था, ज्ञानावरणी दर्शनावरणी वेदनीय मोहनीय आयु नाम गोत्र और अंतराय, ये आठों कर्म कैसे बनते हैं, अशुभ आश्रम कैसे होता है, ये विषय हमने छठे अध्याय में जान लिया। अब सातवां अध्याय जो है इसमें चलता है कि शुभाश्रम कैसे होता है, ऐसे कौन से कार्य हैं जिनसे आपको शुभ का आश्रय होता है। पहला सूत्र है हिंसा नृत स्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर वितरम, हिंसा नृत स्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर व्रतम। मतलब ये पांच जो पाप हैं, हिंसा झूठ चोरी कुशील और परिग्रह, इनसे विरक्त होना इसका नाम व्रत है। हिंसा कैसे कहते हैं, तो आप प्रणों की हिंसा हिंसा है, परमात्मा की ओर से प्राणों का योग करना यह हिंसा कहलाता है। और जो रित ना हो सत्य ना हो असत्य है, नई दी हुई वस्तु ग्रहण करना यह चोरी है, ब्रह्म का अभाव अब्रह्म है मैथुन है, और चारों तरफ से परिग्रह को इकट्ठा करना जोड़ना, मन का मूर्छित होना सब कुछ पाने की आकांक्षा होना, यह मूर्छा परिग्रह है। अब व्रत किसे कहते हैं, तो हिंसा झूठ चोरी कुशील और परिग्रह, इन पंच पापों से विरक्त होने को व्रत कहते हैं। सोनर बुद्धिपूर्वक प्रतिज्ञा करके पंच पाप का त्याग करना व्रत कहलाएगा, आप नहीं कर पाए तो व्रत नहीं है। जैसे किसी आतंकवादी ने किसी नगर पर बम ब्लास्ट करने का प्लान बनाया पर वो नहीं कर पाया, तो क्या नहीं कर पाने पर तो उसको अहिंसा का प्रण लगेगा क्या? नहीं, जहां उसने हिंसा का भाव कर लिया तो वहां पर उसको हिंसा का पाप लगेगा। ऐसे ही आपने किसी को मारने का भाव किया, इसका मर्डर कर दो, इसको मार डालू जान से, ये भावना आ गई तो वहीं आपको हिंसा का महापाप लगता है। इसलिए प्रतिज्ञा सहित जो व्रत दिया जाए व्रत कहलाता है। जैसे जेल खाने में कैद में जो कैदी रहते हैं उन्हें क्या मिलता है, उन्हें ढंग से खाने नहीं मिलता है, वहां पर वो अब्रह्म नहीं कर पाते हैं, तो क्या उनको पुण्य लग जाएगा उसका? नहीं। नरक में रहने वाला नारकी हिंसा तो कर रहा है और झूठ भी बोल रहा है, पर चोरी किसी कर रहा है, चोरी नहीं है, कुशील नहीं है, परिग्रह नहीं है, तो क्या उनको पुण्य लग जाएगा? कदापि नहीं। महादोष देव है, देव में भी पंचम गुणस्थान से आगे नहीं है, क्योंकि देवों के संयम नहीं है। कितनी शक्तिशाली वो लोग देव हैं, भगवान की भक्ति कर लेते हैं, पूजन कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद संयम उनके पास नहीं, इस कारण से वो व्रति की श्रेणी में नहीं आते। समझ आ रहा, यह करने योग्य है ये नहीं करने योग्य है, इसकी समझ पाकर के और उस प्रकार का नियम लेना कि मैं ये नहीं करता, इसका नाम व्रत है। तो व्रति शब्द जो है वो प्रत्येक के साथ में है, हिंसा व्रति विरति असत्य व्रति आचौर्य व्रति कुशील व्रति परिग्रह व्रति,
पांचों में लगा वृत्ति शब्द है ना, हिंसा नृत स्ते अभ्रम परिग्रह वृत्तिर्वृतम। तो वृत्ति शब्द अंत दीपक है, ये हिंसा से लेकर के परिग्रह तक सबके साथ में आने वाला है। समझ में आ रही बात है ना। अब एक प्रश्न ये आता है कि अहिंसा आदि जो पांच व्रत हैं उससे पहले हिंसा क्यों रखा है, बाद में क्यों रखे। तो मैंने कई बार बताया पुरुषार्थ सिद्धि उपाय जो ग्रंथ है उस ग्रंथ में आचार्य भगवान कहते हैं कि हिंसा ही सबसे बड़ा पाप है। और किसे हिंसा कहते हैं, आत्म परिणाम हिंसन हेतुत्वा सर्वमेव हिंसेत अनृत वचनादि केवलम उदारतम शिष्य बोधाय। आत्म परिणाम हिंसन, आत्म परिणामों की हिंसा होना ही सबसे बड़ी हिंसा है। और जहां हिंसा है वहां हिंसा के साथ में ऑटोमेटिक झूठ चोरी कुशील परिग्रह सब आ जाते हैं। चोरी झूठ में भाव हिंसा है, जहां उसने आत्म परिणामों की हिंसा हुई तभी तो झूठ बोलेगा, तभी चोरी करेगा। आत्म परिणामों की हिंसा तभी तो कुशील करेगा, तभी परिग्रह इकट्ठा करेगा। इसलिए मेन आपके भावों की सबसे बड़ी हिंसा है। हमारे भाव यदि अहिंसक हैं, दया मन में है, तो दया जिसके मन में है वो हिंसा का अहिंसा का पालन करेगा, वो झूठ नहीं बोलेगा, क्योंकि तो सबसे पहले अपने पर दया करेगा ना वो। यदि मैं झूठ बोलता हूं तो अपनी हानि कर रहा हूं, अपने आत्म परिणामों की हिंसा कर रहा हूं। चोरी कर रहा हूं तो मन गवाही देता है क्या, पहली बार जो चोरी करते व्यक्ति का हाथ कांपता है, डरता है। अब्रह्म सेवन करे पहली बार बड़ा दुख लगता है उसे, परिग्रह इकट्ठा करने वाला जब परिग्रह इकट्ठा करता है तो खुश नहीं होता वो, समझदार यदि हो ज्ञानी हो उसे खुशी नहीं होती। तो इसलिए सबसे बड़ी हिंसा आत्म परिणामों की हिंसा, इसलिए सबसे पहले हिंसा को रखा है। हिंसा छूटी तो हिंसा के छूटने के साथ में चोरी भी जाएगी, कुशील भी जाएगा, परिग्रह भी जाएगा, अस्तित्व भी जाएगा, सब जाएगा। और एक हिंसा है वहां पर सारे पाप है। इसलिए अपने भावों को संभालिए, अपने परिणामों को संभालिए। फिर एक विषय आया कि जो व्रत है ये तो संवर का हेतु है, इससे आश्रम कैसे हो रहा है। तो आचार्य बतलाते हैं कि नहीं, यहां पर आप जो एक्टिविटी कर रहे हो, हिंसा को छोड़ रहे हो, असत्य बोलना छोड़ रहे हो, चोरी करना आप छोड़ रहे हो, कुशील सेवन का त्याग कर रहे हो, या कुछ नियम ले लिया तो आगे आने वाला है, या परिग्रह को आपने छोड़ा, तो इनके छोड़ने पर आप जो क्रिएटिविटी हुई इससे आपके आत्मदेशों में हलन चरण हुआ मनोवचन काय के निमित्त से, उससे आपको शुभ का आश्रव होगा, आश्रव भी होगा और पाप रोकने पर संवर भी होगा। पाप क्रियाएं रोकी इसलिए उनका आश्रव आना बंद हो गया, संवर हो गया, लेकिन जो पुण्य क्रियाएं आपके द्वारा हो रही हैं उसके द्वारा आपको शुभ का आश्रव भी होता है। अब ये जो पांच व्रत हैं, ये पांच व्रत जो है इसमें कितने प्रकार का है बतलाते हैं कि दो प्रकार का है। बोलिए, देश सर्वतो महति, देश सर्वतोणु महति। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो व्रत है ये एक देश और सर्वदेश दो प्रकार से होता है। जहां एक देश छूटता है वहां पर अणुव्रत होता है, और सर्वदेश छूट गया वहां पर महाव्रत होता है। जिसने हिंसा झूठ चोरी कुशील और परिग्रह इन पंच पापों को एक देश रूप में छोड़ा है, आंशिक रूप में छोड़ा है, उसको अणुव्रत होता है। और जिसने हिंसा का पूरा त्याग कर दिया, झूठ चोरी कुशील परिग्रह का पूरी तरह से त्याग कर दिया है, उसके महाव्रत होता है। देश सर्वतोण महति, मतलब ये जो पंचव्रतों की भावना चलेगी तो ये दोनों के लिए है। यहां पर श्रावक धर्म भी है और मुनि धर्म भी है। तो एक देश जहां पर छूटा, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि हिंसा है, चार प्रकार की हिंसा होती है। जिसने चारों प्रकार की हिंसा का त्याग कर दिया तो वो तो महाव्रती हो गए। संकल्पी आरंभी उद्योगी विरोधी हिंसा को छोड़ देना तो ये महाव्रत हो जाएगा।
और जो मात्र संकल्प हिंसा का त्याग कर सकता है, आप जितने भी श्रावक हैं, वो श्रावक को संकल्प हिंसा का त्याग होना चाहिए। आरंभी मतलब घर में भोजन बनाने में, खाना बनाने में, साफ सफाई में, जो भी घर संबंधी हिंसा है, घर के घर में होने वाली, वो आरंभी हिंसा है। और दुकान फैक्ट्री में जो होने वाली हिंसा है वो उद्योगी है। और अपनी आत्मसम्मान की रक्षा के लिए, परिवार के देश की रक्षा के लिए आपको युद्ध करना पड़े, वो विरोधी हिंसा है। तो ये जो हिंसा है तीन प्रकार की, उसका त्याग श्रावक को नहीं हो सकता है। पूजन करनी ही पड़ेगी, अभिषेक करना ही पड़ेगा, आहार दान देना ही पड़ेगा। अभिषेक पूजन आहार दान से जो घर में होने वाली हिंसा है, उस हिंसा का प्रायश्चित हो जाता है। ध्यान रखना। पंच सुना पाप, भाई आपने घर में साफ सफाई की, पानी छाना, गर्म किया, सब्जियां सुधारी, खाना बनाया, बर्तन मांजे, कपड़े धोए आदि जो भी कार्य आप घर में करते हो, इनके द्वारा जो हिंसा होती है, उस हिंसा का प्रायश्चित किससे होता है? भगवान के अभिषेक से होता है, पूजन से होता है, आहार दान से होता है। तो श्रावक को अहिंसण व्रत होता है, वो अणुव्रत में मतलब छोटे रूप में व्रत को स्वीकार कर सकता है, और वो करना ही चाहिए। यदि आप स्वीकार कर लेंगे, देखिए आप जितना कर पाए, जैसे हमारे यहाँ पर अपन ने देखा, मैंने कुछ दिन कथा सुनाई थी मृगसेन धीवर की। उस धीवर ने क्या किया था, मृगराज से इतना नियम लिया था कि मैं जो पहली मछली जाल में आएगी उसको मैं नहीं मारूंगा, छोड़ दूंगा, और निशा लगाकर उसने छोड़ दिया। पहले दिन ही वो मछली पांच बार फंसी, पांच बार उसने छोड़ दिया, वो क्या बन गया, आगे जाकर के धन कीर्ति नगर सेठ होना और राजा का दामाद बन गया। फिर अपन ने सुना, मैंने आपको बताया था कि यमपाल चांडाल ने अणुव्रत में हिंसा को, अहिंसा को मतलब स्वीकार किया कि मैं व्रत के पर्व के दिनों में जीव नहीं मारूंगा। और राजकुमार सामने आया, राजा का पुत्र था, खूब सारा सोना चांदी मिलने वाला था, लेकिन उसको नहीं, मेरा पर्व का दिन है, मैं नहीं करूंगा। तो ऐसा करने पर राजा ने उसको उठा करके तालाब में डाल दिया, परंतु एक अहिंसा अणुव्रत के कारण से उसकी पूजा देवों ने आकर की। इसलिए आप जितने भी श्रावक हैं, आपको अहिंसा अणुव्रत तो होना चाहिए, बहुत अच्छा रहता है ये। कितना कि भाई मैं संकल्प हिंसा नहीं करूंगा, इतना आपने छोड़ दिया तो आपको अहिंसण व्रत हो जाएगा, और यह सबको करना चाहिए। किसी भी जीव को जो निर्दोष है, निहत्ता है, निरपराध है, अपराधी नहीं है, उसको मारने का भाव कदापि मत लेके आइए, मारने की व्यवस्था मत कीजिए। आपने संकल्प हिंसा छोड़ दी तो वही आप जो है अहिंसण हो गए, और अहिंसण व्रत जिसका हो गया वो तुरंत वहीं पर चौथे से पंचम गुण स्थान में आ जाता है। सबसे पहली बात तो आपको सम्यक दृष्टि होना चाहिए, आपको संपूर्ण अपनी द्वादश निर्वाणी माता पर, गुरु पर, धर्म पर सच्ची अगाध श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा हो गई, श्रद्धा के साथ में आपने संकल्प लिया कि मैं संकल्प हिंसा नहीं करूंगा। संकल्प हिंसा नहीं करने वाला किसी को जान से मारने का भाव नहीं करेगा, और पुतला जलाना, लंका दहन करना, रावण को मारना, नेताओं के पुतले जलाना, अथवा जो मतलब भेड़ों की लड़ाई है, बैलों की लड़ाई है, भैंस की लड़ाई है, गुरु की लड़ाई है, जो भी हिंसा है, ऐसी हिंसा में भागी नहीं बनेगा। जो भी आपके बच्चे देखते हैं फाइटिंग वगैरह गेम जो आते हैं, वो गेम अपन न स्वयं करें न बच्चों से कराएं, तो हमारे अहिंसाणु व्रत होता है। फिर सत्याणु व्रत, जिस झूठ से किसी के प्राण चले जाएं, इस प्रकार का झूठ मत बोलो। हित मित प्रिय बोलो, आत्मा को दुखे पीड़ा पहुंचे इस प्रकार का मत बोलो। लेकिन ये भी देखना तय करना होगा कि कितना आत्मा को दुखा रहा नहीं दुखा रहा है। जैसे मुनिराज ने धीवर से कहा कि भाई तू आज पहली मछली को छोड़ देना,
जो धीवर था उसको तो बुरा लगेगा ना, वेश्या से कहा कि भाई तू वेश्यावृत्ति छोड़ दे, तो उसके लिए उसको अहितकारी लगेगा, लेकिन उसके लिए हितकारी है। बच्चे को बुखार आया और बुखार आने पर माँ दवाई पिलाती है, दवाई कड़वी होती है, थोड़ा तीखापन उसमें रहता है, बच्चा नहीं पीना चाहता है, तो माँ उसकी हाथ पकड़ती है, पैर पकड़ती है, मुंह खोलती है और एकदम चढ़ जाती है माँ उसमें पर। बच्चे पर एक हाथ से तो उसके पैर दबाती है, दूसरे हाथ से उसके हाथ को दबाती है और फिर मुंह में डालती है उसकी दवाई, तो लगता है कि माँ क्या कर रही है। लेकिन माँ का भाव क्या है, माँ का भाव उस बच्चे का वक्र उतर जाना चाहिए, ये भाव है ना। इसी प्रकार से साधु जो आपको बताते हैं कि भाई आप परस्त्री गमन मत करो, अब जो वेश्यागामी है उसको बुरा लगेगा, अहित कर लगेगा, तो उसको अहित कर क्यों लग रहा है, क्योंकि उसने उसको काम का ज्वर चढ़ा हुआ है। जो जुआरिया है, सटोरिया है, जुआ सट्टा खेलने वाला, उसको जुआ नहीं खेलना, उसको बुरा लगेगा कि महाराज जी मेरे विरोध में बोल रहे हैं। लेकिन वो जुआ सट्टा खेलकर कितना कमा लेगा, कपट न कीजिए को चोरन के पुर ना बुसे, सरल स्वभाव ही होता है हो संपदा। तो इसलिए जितने भी आप सार्वक हैं, आप सुन रहे हैं मेरी बात को, इस सब के महान भाव नियम से हमें समझना भी चाहिए और समझना क्यों चाहिए, क्यों हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसको पढ़ करके हमें हमारा कल्याण करना है। हम साधु के लिए अहिंसा महाव्रत है, हमारे लिए चारों प्रकार की हिंसा का त्याग है। हम न संकल्प भी कर सकते हैं, न आरंभी, न उद्योगी, न विरोधी, इसलिए सब छोड़ दिए। आप गृहस्थी में रहते हैं, संसार परिवार में रहते हैं, इस कारण से सब नहीं छोड़ सकते, तो कम से कम संकल्प हिंसा छोड़ दो और ऐसे झूठ मत बोलो कि जिससे किसी के प्राण चले जाए। फिर आचार्य व्रत, कोई भी सामान हो, बिना पूछे बिना कहे किसी का सामान नहीं लेना, भले चाहे वो सोना हो, हीरा, कुछ भी हो, मिट्टी भी क्यों ना हो। हम लोग, हमारा कमंडल किसी दूसरे को दिया है और उससे अपना कमंडल लेना है, तो भाई मेरा कमंडल मैं ले रहा हूं, ये बोल कर लेते हैं। अपना भी कमंडल दिया है किसी को तो उससे बोलकर चुपचाप बिना पूछे नहीं लेके जाना, क्योंकि यदि आप बिना पूछे लेकर आ गए, अपने कमंडल लेकर आ गए, हमारा तो है, अरे लेकिन तुम्हें जिसको दिया है उसके विचार विकल तो हो जाएगी ना, भाई गुरुदेव कमंडल तो कहाँ गया, मैंने लिया था, तो घबरा जाए, परेशान हो जाए, तो बतला दिया आपने, हाँ गुरुदेव ने लिया, कोई बात नहीं। समझ में आ रही बात, अपना भी सामान हमने दूसरे के हाथ अधिकार में दिया है तो उससे पूछ करके आप लीजिए, इसको बोलते हैं अचुरण व्रत। और ब्रह्मचर्य अनुव्रत, ब्रह्मचर्य का मतलब इतना आपके लिए हो गया कि स्वभर्ता सदा संतार सदा संतोष व्रत। पुरुष के लिए इतना संकल्प होना चाहिए कि अपनी पत्नी को छोड़ करके अन्य सभी परस्त्री का त्याग है। महिलाओं का संकल्प होना चाहिए कि अपने पति में रमण करती हुई अन्य सभी पर पुरुष का त्याग कर देंगे, सारे पुरुष उसके लिए माता बहन पुत्री के समान हो गए, तब जाकर के वो ब्रह्मचर्य अनुव्रत होता है। परिग्रह परिमाण व्रत, अनुव्रत में क्या होता है कि भाई जितना अपने को लगता है उतना सामान रखना, बाकी अन्य का त्याग करना परिग्रह अनुव्रत होता है। और ये महाव्रत होते हैं, हम साधु के लिए अहिंसा महाव्रत है, सत्य महाव्रत है, आचौर्य महाव्रत है, ब्रह्मचर्य महाव्रत है और अब परिग्रह महाव्रत। अब देखो, एक साधु सुना, एक साधु जंगल में बैठे हुए और वहां से एक गाय निकली, गाय भागी, मुनिराज बैठे थे, सुनो ध्यान से, हाँ मुनिराज बैठे थे, गाय भागी, मुनिराज खड़े हुए, कसाई आया, कसाई ने पूछा कि मुनिवर यहां से गाय गई है, अब यदि मुनिराज कहते हाँ गाय गई है तो ये सत्य है, पर सत्य होने पर भी उस गाय के प्राण चले जाएंगे, इसलिए मुनिराज खड़े हो गए और खड़े होकर कहा कि जब से मैं खड़ा हूं तब से यहां कोई गाय नहीं गई है, क्योंकि वो बैठे थे तब गाय गई थी। अनेकांतवाद है, शादवाद है और भाव में अहिंसा परिणाम है कि अपने को झूठ भी नहीं बोलना है और उस गाय के प्राण ही बचाना है,
यदि कहते कि हाँ गाय गई है, गाय नहीं गई है, तू नहीं गई ऐसा बोलेंगे तो भी झूठ हो जाएगा। इसलिए पोजीशन चेंज कर दी उन्होंने, उन्होंने कहा कि जब से मैं खड़ा हूं तब से कोई गाय नहीं गई। तो साधु के परिणाम उस जीव को बचाने के लिए, ऐसे ही आपको भी जीव की रक्षा के भाव आपके होना चाहिए। साधु का सत्य महाव्रत है, उसके सत्य महाव्रत के अंदर भी क्या झूठ होगा ये बताओ? झूठ के लाए गए नहीं, ये झूठ की श्रेणी में नहीं आएगा, आएगा कदापि नहीं आएगा। अहिंसा सत्य अचौर्य ब्रह्मचर्य और परिग्रह जो महाव्रत का पालन करते हैं वो महाव्रत निराज होते हैं, और जो एक देश त्याग करता है वो देशव्रति श्रावक होता है। गृहस्थ अनुव्रत पालन करते हैं और महाव्रत पालन करने वाले मुनिराज होते हैं, और आरिका माताएं भी महाव्रतों का पालन करती हैं, इसलिए उपचार महाव्रती कहलाती है। अब प्रश्न यह है कि मुनिराज के व्रत को महाव्रत क्यों कहते हैं? तो आचार्य बतलाते हैं कि साहंति जम महल्ला आयरियम जम महल पो बेहिम जम च महल्लाण तदो महल्लया इतहे ताइम। इसका अर्थ है कि जिसे तीर्थंकर आदि महापुरुष साधन करते हैं, जिसका पालन चक्रवर्ती बलभद्र आदि गणधर आदि महापुरुषों ने पालन किया है, ऐसे व्रतों को महाव्रत कहा जाता है। ये व्रत स्वयं महान है, श्रेष्ठ है, और जो इनका पालन करता है वो भी महान हो जाता है। ये व्रत हमारे महान कर्मों का निवारण करते हैं, जन्म जरा मरण रोग के निवारण के लिए महाव्रत सबसे बड़ा साधक है। महाव्रतों से कर्मों का संवर होता है, कर्मों की निर्जरा होती है, और जितना उसमें राग है उतने में उसके राग के द्वारा शुभ का आश्रय होता है, इसलिए ये पंच महाव्रत कहलाते हैं। अभी प्रश्न आपने किया है कि पानी की जीवानी कैसे होती है, तो अब ये जीवानी जो है ना आपके लिए सिर्फ सुनने समझने के लिए रह गई है, सिर्फ समझने के लिए रह गई है बस। एक्चुअल में अब जीवानी मुश्किल हो गया है, क्योंकि जहां कुएं भी हैं वहां पर मोटर लगी हुई है और मोटर से पानी आ रहा है। बाबा जी कौन खींचने जा रहा है? सही पानी निकालने का सिस्टम मैंने पहले ही बताया था आपको, आपने पूछा बता देता हूं मैं आपको कि पानी निकालने के लिए परिश्रम करना पड़ेगा। एक ऐसी बाल्टी जिस बाल्टी के अंदर में ऊपर भी हैंडल है और नीचे साइड भी कुंदा बंधा हुआ है, कुंदा, और बड़ी रस्सी हो, डबल रस्सी हो, और कपड़ा इतना मोटा होना चाहिए कि जिस कपड़े से सूर्य की किरण आर पार ना हो, ऐसा मोटा कपड़ा होना चाहिए। बिल्कुल सूती कॉटन कपड़ा होना चाहिए, कॉटन का रहेगा, सूती रहेगा, और सूर्य किरण आर पार ना हो, इतना मोटा होना चाहिए, और जिस बर्तन में पानी छानना है उससे चार गुना बड़ा होना चाहिए, चार पट। जैसे घड़ा है तो घड़े के मुख से चार गुना बड़ा होना चाहिए। फिर निकालने वाला, पानी निकालने वाला संभाल करके बाल्टी से पानी निकाले, पानी निकालने के पश्चात वह उस कपड़े के माध्यम से उस बर्तन के अंदर पानी को छाने डालता जाए। जब पानी छन जाए, बर्तन पूरा भर जाए, आपके जितने बर्तन सारे भर जाए, भरने के पश्चात वह जो कपड़ा है उस कपड़े को संभाल करके वापस उस बाल्टी के अंदर में करके जो छना पानी है उस छने पानी से उस कपड़े को पानी की धार देनी है, और इस तरह देनी है कि उसकी जो जीवाणी है, जीव है, उस पानी के हाथ में बाल्टी में चले जाए, और उस बाल्टी को लेकर के फिर ऊपर से तीन मंजिल ऊपर से नहीं छोड़ना उसको। आपने पानी छाना और जीवानी को उठाया और ऊपर से 100 फीट ऊपर हुआ है, उसमें से ऊपर से नीचे आपने फेंक दिया उठा करके, तो क्या जीवानी होगी वो? इसलिए वो सिर्फ कहने का रहेगा या करते कुछ भी नहीं है। उस बाल्टी को पूरा नीचे तक छोड़ना चाहिए, और जो नीचे अपन ने जैसे ये मान लीजिए ये बाल्टी है ना, अब इस बाल्टी के अंदर में ऊपर यह हैंडल है और यहाँ पर एक अपने कुंदा बनाया है, कुंदा, और यहाँ पे रस्सी बंधी हुई है, तो अपने छोड़ा और छोड़ने के पश्चात ये रस्सी जाए पानी का पूरा, तब जाकर के जीवानी होती। हाँ
मैं बोल रहा हूँ करते कहाँ हैं, अब तो कौन पानी भरने जा रहा है, कौन पानी भरने जा रहा है? नदी हमारे घर पे आ गई है, नल लगा हुआ है, बोर चालू है, बोरवेल चालू है, टटक पानी उसके अंदर आता है और स्पीड फोर्स में आता है, और पानी बोर से आया हुआ है तो उसकी जीवनी कहां करते हैं आप लोग? जो बोर है उसके अंदर भी इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए कि उससे ही चला जाए। इसलिए अब ये कहने की बात रह गई, बिल्कुल दो छेद वो समझे पता बाबा जी, उसे मालूम मेरे को सब पता है, मैं सिखा चुका सकते हैं। हाँ आपकी आवाज यहाँ पे आ नहीं रही है उसमें, और डिस्टर्ब हो रहा था उसके अंदर, आवाज नहीं आ पाती। तो महान भवो अभी आपने पूछा पानी के लिए, मैंने बता दिया कि पानी की जीवानी इस प्रकार से होती है। आप करेंगे क्या इस तरह से पूछा तो आपने, करें तो अच्छा होगा। कुएं पर जाइए, बाल्टी हंडे सब लेकर के जाइए, कपड़ा लेकर जाओ, रस्सी लेकर के जाओ, छानो और वहां से लेकर के आओ। बोरवेल में मोटर पंप में पानी की जीवाणी सही ढंग से नहीं हो सकती, और कुएं में भी पानी छानने के पश्चात उसको यदि आपने वहीं पीछे नीचे फेंक दिया उठा करके पानी छानने के पश्चात, तो भी जीवाणी नहीं होगी। अथवा बाल्टी में अपनी जीवाणी खाली कर ली, ऊपर से उठा करके फेंक दिया उसको 100 फीट नीचे कुएं में डाला, तो भी जीवाणी नहीं होगी। पाप के द्वारा हिंसा हो ही जाती है। तो जीव दया के लिए जो करते हैं, पहले होता था इस तरह से और धीमे धीमे प्रमाद बढ़ता जा रहा है, इसलिए पानी छाना भी जाता है और छानने के पश्चात तो प्रासव करना भी जरूरी है, प्रासव पानी होना चाहिए। लेकिन प्रतिमा का अभिषेक करने के लिए, भगवान के अभिषेक के लिए प्रासव पानी इतना ही होना चाहिए कि जो हल्का सा गुनगुना हो, हल्का सा। जो लोग एकदम खोलता गरम गरम पानी प्रतिमाओं पर डालते हैं वो भी एक तरह से हानिकारक है। जो एकदम खोलते गरम पानी से भगवान का अभिषेक करते हैं वो उनके अहिंसा महाव्रत का पालन नहीं होता है, महान हिंसा होती है। जो खोलते गरम पानी से भगवान का अभिषेक करेगा तो गरम गरम पानी से अभिषेक करने पर जो मार्बल की मूर्ति है, पाषाण की मूर्ति है, उस मूर्ति में गर्म पानी से क्षरण होता है, कण कण निकलना शुरू हो जाते हैं उसके अंदर। और जो धातु की प्रतिमाएं हैं, सोने चांदी पीतल आदि की हो, प्रतिमाएं नीली पीली पड़ जाती हैं गर्म गर्म पानी से अभिषेक करने पर, आप देख लेना। तो ऐसा गर्म पानी से अभिषेक नहीं करना, कोमट प्रासव होना चाहिए, या सादा पानी, या पानी को छान लिया, छान करके उसके अंदर में आपने लवंग डाल दी, लवंग पाउडर है, इलायची पाउडर है, या हल्दी थोड़ी सी डाल दी, या केसर डाल दी, तो केसर को डालने पर पानी का स्पर्श रस गंध वर्ण चेंज हो गया, तो चेंज होने पर ऐसा पानी प्रासुक होता है और वो पानी से अभिषेक करना चाहिए। बिल्कुल 6 घंटे के लिमिट उसके आराम से हो जाता है। एकदम खोलता उष्ण गर्म पानी से अभिषेक कदापि नहीं करना चाहिए। जो अभिषेक ऐसा खोलते पानी से करते हैं वो अपनी एसिडिटी बढ़ाते हैं, उनके संताप बढ़ता है, क्रोध बढ़ता है, तनाव बढ़ता है। बिल्कुल, आज मंदिरों में घर घरों में गरम गरम खोलते पानी से अभिषेक किया जा रहा है, इसलिए घर में भी आदमी का दिमाग खोल रहा है, उबल रहा है, तनाव में रहता है। गरम पानी से अभिषेक नहीं करना। पानी की जीवानी की बात आपकी आई, मैंने बतला दी, और कोई जिज्ञासा आपकी हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई शंका आपकी हो तो आप पूछ सकते हैं। इन पंच व्रतों को स्थिर करने के लिए उनकी भावनाएं होती, कितनी भावनाएं कौन सी होती है इसमें आ रहा है, ततस्य यार्थम भावना पंच पंच, ततस्य यार्थम भावना पंच पंच, मतलब ततस्थ मतलब जो पांच व्रत हैं, कौन से पांच अणुव्रत, पांच महाव्रत, इन पांचों व्रतों की स्थिर्थ में स्थिति के लिए, इनको दृढ़ करने के लिए भावना, भावना होती कौन सी होती है पंच पंच, मतलब पांच पांच भावना होती है। अहिंसा के लिए पांच भावना, सत्य के लिए पांच भावना,
आचौर्य के लिए पांच भावना, ब्रह्मचर्य के लिए पांच भावना और अपरिग्रह के लिए पांच भावना, जिससे इन व्रतों का और अच्छे से पालन होता है, ऐसी भावनाएं होती है। इस संबंधी कोई आपकी जिज्ञासा प्रश्न हो तो आप लोग अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। आप चाहें तो अपना हैंड रेस करें और वहां से आपका माइक अनम्यूट हो जाएगा, अनम्यूट होने पर भी आप पूछ सकते हैं, या फिर आप चैट बॉक्स में प्रश्न लिख करके आप डाल सकते हैं। थोड़ी देर की पढ़ाई और थोड़ी देर का क्वेश्चन आंसर, आपको जिज्ञासा का समाधान इस संबंधी होना चाहिए। ये जो प्रश्न विषय चल रहा है, इस संबंधी प्रश्न आप करेंगे तो उत्तर मिलेगा। और हम विषय समझाएंगे हिंदुस्तान का, आप प्रश्न करेंगे पाकिस्तान का, तो नहीं जमेगा है ना। और एक बात थोड़ा और सुन लीजिए, थोड़ा सा मेरे ऊपर भी जिम्मेदारी थोड़ी ज्यादा है। अभी चूंकि 31 तारीख को शरद पूर्णिमा का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, तो क्या आपने अपने बच्चों के नाम रजिस्ट्रेशन करा लिए? सभी के नाम लिखवा दिया? अच्छी बात। रश्मि ने वहां से बताया है कि जी, बाकी और जितने परिवार हैं, 60 परिवार यहाँ पर हैं, 60 डिवाइस हैं, तो आप सभी अपने ही नहीं, अपनी समाज के जितने बच्चे लड़के लड़कियां हैं, उन सभी के लिए आप संधि दीजिए कि शरद पूर्णिमा है। हाँ रानी, आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप भी पूरे हड़कों में जितने भी बच्चे हैं अपने पूरे औरंगाबाद के अंदर में, सबको स्पेशल बोल करके, औरंगाबाद में अपने कितने करीब 3,500 घर हैं, नागपुर में 5,000-6,000 घर हैं, तो आप सही महान भाव। और जितने जितने शहर से, बीड़ से आप हैं, मुंबई से हैं, पुणे से हैं, भरतपुर से हैं, दिल्ली से हैं, आप सबकी जिम्मेदारी है। जो 60 आप हैं, तो हमारे 60 प्रचार मंत्री आप लोग हैं, आपको प्रचार प्रसार करना है। और टोटल जितने लड़के लड़कियां हैं 8 साल से लेकर के जो भी आगे 10, 12, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 जिनकी शादी नहीं हुई है, वो सब, चाहे वो नौकरी कर रहे हो, चाहे व्यापार कर रहे हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे पढ़ाई कर रहे हो, आपको सबको जिम्मेदारी। स्मिता जी, आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी। स्मिता पेंडारी, संतोष जी को बोलिए कि पूरे संपूर्ण परिसर के अंदर में जितना भी उनका संपर्क है, महावीर भगवान की, भाई स्मिता जी को दिखाओ जरा, स्मिता पेंडारी, बसर भैया, हाँ स्मिता जी, संतोष भैया को बोल देना। और आपकी जिम्मेदारी है कि टोटल जितना आपका क्षेत्र संपर्क सूत्र है, सभी को जिम्मेदारी से बोलिए, और सभी को एक साथ बोल रहा हूँ मैं कि अपने अपने लड़के लड़कियों का रजिस्ट्रेशन करा दीजिए। अभी मैं इतने रोज से बोल रहा हूँ तो मेरे पास में अभी तकरीबन 800 नाम आए हुए हैं, 800 बच्चों के नाम आ चुके हैं, और वहाँ गुरुधर नंदी जी के पास में लगभग 2,000 बच्चों के नाम आरक्षित हो चुके हैं। और हम चाहते हैं कि हमारे संपूर्ण जैन समाज के बालक और बालिका, युवक और युवती, उन पर इस प्रकार के संस्कार शरद पूर्णिमा को हो। इसमें बच्चों कुछ भी नहीं करना है, पर ये जानना, कोई बच्चों को मुंडन नहीं कराना है, बंधन नहीं मुंडन का है ना, कोई विशेष त्याग नहीं कराएंगे उनको, बस घर में रहते हुए अपने परिवार के प्रति वफादार कैसे बने और उनकी भाग्योन्नति कैसे हो, उनके जीवन का उत्थान कैसे हो, उनके जीवन का उत्कर्ष कैसे हो, वो कैसे अपनी बौद्धिक क्षमता को आगे बढ़ाएं, कैसे अपनी ताकत को आगे बढ़ाएं, इस हेतु एक स्पेशल प्रोग्राम, और अकेले हम नहीं कर रहे हैं बल्कि संपूर्ण हमारे जैन समाज के 36 होंगे, वो मंत्र संस्कार बच्चों पर करेंगे, 36 गणनी आरिकाएं माता होंगी, 36 मुनिराज रहेंगे, 36 आरिका माताएं होंगी और 111 प्रतिष्ठाचार्य, ये सब के सब उन बच्चों पर संस्कार करेंगे। और मेरे द्वारा जो लिखा विद्या प्राप्ति विधान सरस्वती विधान है, वो विधान दोपहर में 3 बजे से विधान रहेगा। पारस जिनवाणी पर लाइव आने वाला है, एक बड़ा कार्यक्रम है, तो सुबह उसमें सारे अपने जो प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र हैं उनका मस्तकाभिषेक दिखलाया जाएगा। बच्चों पर संस्कार पड़े कि हमारे यहाँ पर ऐसा अभिषेक होता है, सुबह शास्त्रों में अभिषेक रहेगा और दोपहर में 3 बजे से वो कार्यक्रम रहेगा अपना, बच्चों के लिए विधान रहेगा। और फिर बाद में लगभग विधान के पश्चात बच्चों पर मंत्र संस्कार भी साथ में हमारे आचार्यों के द्वारा चलते रहेंगे, विधान भी चलेगा, मंत्र संस्कार भी चलेगा। और फिर जब शरद पूर्णिमा लग जाएगी, उदयगिरी पूर्णिमा पर स्पेशल उनके ऊपर सरस्वती का मंत्र संस्कार उनको कराया जाएगा, और कैसे उनके जीवन में स्वास्थ्य अच्छा हो, उसके सभी को लाभ मिलेगा। इसमें बच्चों के द्वारा माता पिता का सम्मान भी कराया जाएगा, तो आपके सम्मान की बात है।
बच्चे आपका सम्मान करेंगे, आपका आदर करेंगे। माँ बाप ये तो चाहते हैं कि भाई हमने बच्चों को जन्म दिया, पाला पोस बड़े बच्चे हमारा सम्मान करें, हमारी बात माने। तो आपके बच्चे आपके बन जाएं, वो हम काम करने जा रहे हैं, जो आप नहीं कर पाए वो हम करेंगे। तो आप बस बच्चों को ले आइए, लड़के और लड़कियां सभी, संपूर्ण बच्चों को आपका रजिस्ट्रेशन, और जिनका नहीं हुआ है आपके पास में लिंक आ रही है, हमारे वत्सल भैया, मयूरी, धीरज निरंतर आपको लिंक भेज रहे हैं, पारस जी लोहाड़े भी इस पर लग गए हैं, आचार्य देवनंदी जी इसके देखिए, तुरंत मयूरी ने आपको स्क्रीन शेयर कर दिया है, लिंक भेज दी है। तो आप ये स्क्रीन लिंक पर अपने रजिस्ट्रेशन करा करके तुरंत हमारे पास भेज दीजिए, क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन कराएंगे उन्हीं को रजिस्ट्रेशन पर उनके नंबर पर ही उनको स्पेशल जो यंत्र मिलना है, जो पीडीएफ फाइल पुस्तक की मिलना, उनको ही मिलेगी। जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है उसमें किसी ग्रुप के अंदर नहीं जाने वाला है, ग्रुप में नहीं जाएगी, सिर्फ पर्सनल रूप में जाएगी। इसलिए रजिस्टर होना बहुत जरूरी है और उनका आना बहुत जरूरी है, इसको आप ध्यान रखें, ठीक है। और इस कारण से मैं जो है क्लास को मैंने शुरू किया था, परंतु मुझे दिख रहा है काम बहुत ज्यादा है और हम लोग का आपस में जो है चर्चा भी करनी होती है। बिल्कुल आएगा, पारस चैनल पर, जिनवाणी चैनल पर आएगा, वो कार्यक्रम लिया हुआ है। अभिषेक का तो जैनम पर लाइव आएगा, जैनम पर आएगा अभिषेक का तो, लेकिन विधान दोपहर का जो विधान है और शाम का जो संस्कार है, वो संस्कार पारस जिनवाणी पर लाइव आने वाला है, 3 से 5 और उसके बाद में 5 से लेकर के 7 में ये कार्यक्रम चलेगा। क्योंकि तो जब शरद मतलब चंद्रमा पूरी तरह उदय होगा, पूर्ण चंद्रमा के उदय रहने पर, जब चंद्रमा के अंदर से जो अकृत्रिम चिन्ह प्रतिमा है उसकी दृष्टि जब पूरी धरती पर होगी, उसके साथ ही बच्चों पर मंत्र संस्कार किया जाएगा, तो बहुत बड़ा असर करता है। इसलिए उस शाम के समय पर संस्कार किया जाएगा, उसका जो अपना रोज चलता है मां मृत्युंजय का जाप वगैरह, उस समय पर उनको संस्कार किया जाएगा। तो ये कार्यक्रम हमारा दिन भर का चलेगा। इस कारण से अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि थोड़ा सा आज 27 दिन क्लास ले ली, लेकिन 28, 29, 30, 31 अभी 4 दिन क्लास का और ड्राप रहेगा। थोड़ा सा मेरी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है, तो हमें आपस में चर्चा करनी होगी, विमर्श करना पड़ेगा, व्यवस्था बनानी पड़ेगी। तो अपनी जो क्लास अभी मोक्ष शास्त्र की है, अब सीधी एक तरह से अपन शुरू करेंगे, है ना। आज मैंने कहा था मैं लूंगा, इसलिए मैं आ गया, मैं मीटिंग छोड़ करके आया हूँ। आज मैंने अपना वचन पूरा किया, मैंने आज क्लास ले ली है। बाकी अपन क्लास जो है अपनी अभी नहीं ले पाएंगे, तो आप जो है क्लास के लिए तैयार रहेंगे, वो 1 तारीख से अपनी क्लास लेंगे। अच्छा, एक काम कर सकते हैं अभी कि आप जो है शाम के समय पर सभी लोग, जितने आप प्रेशर डिवाइस पर यहाँ पर हैं, आप लोगों ने हमारे साथ में नवग्रह शांति विधान किया, ऑनलाइन किया, मां मृत्युंजय का पाठ आप कर रहे हैं, भक्तामृत का पाठ कर रहे हैं, तो ये आपको कैसा फील हो रहा है, क्या अनुभव हो रहा है? आपने जो अनुभव किया है वो अपना अनुभव आप पहले से अपने नाम को बता देवे, तो शाम के टाइम पर जब हम भक्तांबर का पाठ करेंगे, मृत्युंजय का जाप करेंगे, तो उसके साथ में मुश्किल से 3 या 4 व्यक्ति को आपको अपने भाव शेयर करने का मौका आपको मिलेगा। जिसका नाम पहले आ जाएगा उसको मौका मिल जाएगा। तो आप अपना संपर्क नितिन भैया के पास पहुंचा दें, मयूरी को आप दे देवे, तो आपका नंबर आज लग जाएगा, आज से हम शुरू करेंगे। मैं चाहता हूं कि जो आपने विधान करके, पूजन करके, जाप करके और जो मीटिंग में आकर के जो आपने फीलिंग किया, जो आपने अनुभव किया है, वो आपके अनुभव को दूसरे को भी उसका लाभ मिल पाए और दूसरे भी उससे प्रेरणा ले पाए, इसलिए मैं आपको मौका दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये अपना चलेगा, 1-2-3 दिन चलाऊंगा मैं, आपके जितने अच्छे अच्छे प्रेजेंटेशन आएंगे वो आपको मौका मिलेगा। बाकी तो मैं हुई एवरी टाइम, हमारे कल दीक्षा महोत्सव था हमारे साधुओं का, तो मुनिषी दोनों जो सुरेश चंद्र गुप्त जी, कितना अच्छा उन्होंने पूरा गुरु के प्रति कितनी भक्ति उनकी थी, हमारे विनय गुप्त जी कितनी अच्छी रचना उन्होंने सुनाई यहाँ पर, फिर गणनी आरिका क्षमा श्री माता जी, आरिका आस्था श्री माता जी और हमारे सच्चिदानंद आचार्य जी, उसके बाद में शुलक धर्म गुप्त जी, शांति गुप्त जी, तीर्थ श्री माता जी, सबने अपनी अपनी भावनाएं रखी, अपने अपने विचार रखे और सभी लोग हमारे बीच में थे, उन सबने लाभ लिया है। तो आप भी अपने भावों को शेयर कीजिए और शेयर करना हमको आना चाहिए, भाव की अभिव्यक्ति आना चाहिए। पता नहीं कब आप आर्य कमाता जी बन जाओ, कब मुनि महाराज बन जाओ, तो आपको फिर बोलने का मौका तो मिलना चाहिए ना, इसलिए इसे प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। मोक्ष शास्त्र पढ़ते पढ़ते मोक्ष मार्ग पर अपने को आना है, ये अपना उद्देश्य है। स्मिता जी तो ऐसी पुण्यशाली महिला है कि उनके ससुर जी मुनिराज बने, मुनि समाधि नंदी बने और बहुत अच्छी समाधि उनकी नागपुर के अंदर हुई। ऐसे कई परिवार आपके यहाँ पर होंगे, जिस परिवार उसको आर्य कमाता जी को मुनिराज बनेंगे बने हुए होंगे, तो अपन भी उस लाइन पर चलना है। मोक्ष शास्त्र पढ़ने का उद्देश्य अपना ही है,
तो ये आपके पास में नंबर आ गया है, इस नंबर पर आप जो है अपने अपने रजिस्ट्रेशन भेज दीजिए और आपको लाभ मिलेगा। आज इतना ही, बहुत अच्छे से आपने पढ़ा, मैंने एक आह्वान किया और आप लोग काफी अच्छी संख्या में आज भी आ गए, लेकिन 3 दिनों में ड्रॉप रहेगा, है ना। 28, 29, 30, 31, 31 का प्रोग्राम में रहेंगे, लेकिन इन 3 दिनों में आपको कुछ भी नहीं, आपको जागृत रहना है और सुबह दोपहर शाम हर परिवार को संपर्क करना है। और जिन जिन परिवारों ने, सुवर्णा जी आपकी जिम्मेदारी पूरे पुणे को इकट्ठा करना है आपको, सुवर्णा शावक, हाँ ऐसी वंदना जी, जो भी यहाँ पर है हमारे जितने भक्त हैं, मैं सभी को आशीर्वाद दूंगा और सभी को चाहूंगा कि अशोक जी लोहाड़े जी पूरे हैदराबाद में, काश्मीरा लोहाड़े ट्रस्टी है राजा बाजार की, पूरे राजा बाजार के सारे बच्चे उसमें होना चाहिए। सविता जी आप भी सारे परिवारों को जोड़ दीजिए, है ना, सबकी जिम्मेदारी है। जितनी आप भारतीय, आज दीप जलाया आपने भारती जी, मुंबई के सारे परिवार जुड़ जाना चाहिए उसके अंदर, हाँ आपकी जिम्मेदारी है। ऐसे ही हमारे सभी जितने परिवार यहाँ पर हैं, संजय भैया, संजय खबड़े, मनोरमा, सविता, डॉक्टर शैला जी, संजीवनी और अशोक काले, वंदना, सभी जितने परिवार यहाँ पर हैं, आपको सबकी जिम्मेदारी है। संगीता जी शाह, पूरी चित्री डूंगरपुर को सबको जोड़ना है। आप जहां जहां जिस शहर के अंदर हैं, उस प्रत्येक शहर से सारे परिवारों को आपको जोड़ देना है, आपकी जिम्मेदारी है। ये जो लिंक आपको आई हुई है रश्मि जी, हाँ सभी के लिए जिम्मेदारी पूरी, खूब सारे मेरा आपको आशीर्वाद। अनिश भैया तुम भी प्रयास करो, वहां पर सबको प्रयास करना है, सबके संगठन से काम बनेगा, ये सभी की मेहनत हमारी होगी तब जाकर काम बनेगा। तो आप लोग उसके लिए लग जाइए, जिन जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया हो उनका सबका नाम लिखवा दीजिए। और मैं चाहता हूँ कि संपूर्ण भारत के और देश विदेश के जितने भी जैन हमारे बच्चे लड़के लड़कियां हैं, उनमें ऐसे प्रकार के संस्कार हों कि वे अपने जीवन की उन्नति कर पाए, इसलिए आपको जुड़ना है और लाभ लेना है। और महावीर भगवान की अच्छी बात है, जिया जी ने कहा है कि उन्होंने ईडर में और यहाँ पर भी सब जगह उन्होंने मैसेज सबको भेज दिया है, ऐसे आप लोग सबको भेजिए। और अकेले मैसेज नहीं करना है बल्कि उनको थोड़ा सा फोन भी करना है, बच्चे जुड़े कि नहीं जुड़े, बच्चों को थोड़ा प्रोत्साहित करना है। अभी बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं, इतनी देर में तो हमारे पास कम से कम 25,000 बच्चों के नाम आ जाना चाहिए थे। अभी मेरे पास में करीब 800 बच्चों के नाम आए हैं, 2,000 बच्चों के वहां पर आए, तब भी कुछ भी नहीं करना उन बच्चों को, कोई प्रकार का त्याग नहीं करना है, कोई मुंडन नहीं कराना है, कोई खर्चा नहीं करना, पूरा निशुल्क काम हो रहा है, फिर नाम क्यों नहीं आएगा बच्चों। हर परिवार से, हर घर से सारे बच्चों के नाम हमारे पास में आना चाहिए, बहुत बढ़िया। अबू धाबी और दुबई में भी उन्होंने अपनी ओर से प्रयास कर लिया है, बहुत अच्छी बात है। और भी जितने जहां पर है, न्यू जर्सी में, अमेरिका में, लंदन में, यूनाइटेड किंगडम में, रंजन जी हैं, वो आप सभी लोग अपने अपने पूरे नगर के अंदर में, हाँ सभी को बिल्कुल यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादिति किञ्चिनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं बोधि समाधि प्रणामशुद्धि स्वात्मोपलब्धिं शिवसौख्यसिद्धिं चिन्तामणिं चित्तवसुधानि त्वां वन्दे मानसिमांस्तुतिं हे जिनवाणि भारती सुहृत्बुद्धिप्रयीं युक्तेरा शरणालये स्वपावसिञ्चिन् जावाणि के ज्ञानते सुचे लोकालो सुवाणि पुस्तकपुरस्कारे पूर्वो देव जो सदा यही मुक्ति का हम धर्म कृत संसार सुख धर्म कृत निर्माण धर्म कृत साधे विनान संसारी संग ध्यान तोरा चोरंग सुमति सुकरी संग बड़ो उपकारी है मुनि मन निर्मल सोहे गंगा सोजल काट दे करो गंधन तत्वधारी है संयमति करो ऐसे हमारी है वंदना हमारी है कैसर कीजिए। जय बोलो प्रज्ञायोगी दिगंबर जैन आचार्य श्री गुप्ती नंदी जी गुरुदेव की जय। अर्घ्य चढ़ाना है अपने को, है ना, भारती मुंबई से आगे चढ़ाएंगी। नैना दिलीप पाटाणे ने आशीर्वाद मांगा है, मैं तो रोज आपको आशीर्वाद दे रहा हूँ। नैना जी आपको दोनों हाथों से बहुत सारा आशीर्वाद, आपके सब संकट दूर हों,
सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहे, और जितने भी यहाँ पर हैं डिवाइस पर जो स्वाध्याय में बैठे हुए हैं उन सभी का और जो भी आपके संबंधी है सभी को मेरा आशीर्वाद, सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे, सभी पूर्णतः निरोगी हो, स्वस्थ दीर्घायु हो और सबके संकट दूर हो, मेरा सबको आशीर्वाद। आइए अर्घ्य चढ़ाएंगे। नीरगंध वस्त्र आदि अर्घ्य भाव से निया, आपका विधान मात्र भक्ति भाव से किया, दिव्य देश नाम मान है जे देश आपकी, मात्र अर्चना हरे प्रवचना विभाव की, मात्र अर्चना हरे प्रवचना विभाव की। ओम विकास स्वामी जिनवाणी मां चरणे प्यो जय फलादि अर्घ्य पाम ते स्वाहा। आचार्य कुंत सिंधु है वात्सल्य दिवाकर, आचार्य कनक नंदी है सद्ज्ञान दिवाकर, जिन धर्म काढ़ का बजाना जिनका है धर्म, भक्ति से भक्त बोलो वंदे कुंत सागरम। जय 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 गुरुदेव की जय हो, जय गुरुदेव की। ओम विमोक्ष शास्त्रकर्ता श्री महा स्वामी आचार्य आचार्य श्री कुंत सागर कनक नंदी आदि सर्व आचार्य उपाध्याय सर्व साधु चरण भिन्वा जल फलादि अर्घ्य पाम ते स्वाहा। आचार्य भक्ति नंदी ने कमाल कर दिया, वसल देख सबको मालामाल कर दिया, पूजा हमारी आप ही स्वीकार कीजिए, गुरुदेव मुस्कुरा के आशीर्वाद दीजिए। जय 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 गुरुदेव की जय, जय गुरुदेव की। ओ रूप के आचार्य भक्त श्री कुंत जी गुरु साक्षात राजमान श्री चरणों में कार्यक्रम महायज्ञ त्याग रूपावती सबको बहुत सारा आशीर्वाद। जो जहां से हैं मेरी ओर से आपको नियम भाई थोड़ा कुछ कहना चाह रही हैं, शायद भारती जी मयूर उनका मयूर कन्वर्ट करो, भारती कुछ कहना चाह रही हैं मुंबई से। नमस्ते गुरु सर, आपको आशीर्वाद आशीर्वाद। हम आपका स्वाध्याय रोज सुनते हैं और एग्जाम भी लिया। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। तो आपकी जिम्मेदारी है कि मुंबई के सारे अपने जितने ग्रुप में सबको बोलना है, सारे बच्चों को इस प्रोग्राम में सबको शामिल करना है। ऐसे ही मैं चाहूंगा रंजना शाह यहाँ पर हैं, यूनाइटेड किंगडम से अम्मा जी हैं लंदन से, उनको भी चाहूंगा आप लंदन में अमेरिका में रशिया में जहां पर भी आप लोग हैं अपने अपने देश विदेश में सब जगह सारे बच्चों को बोलिए और सभी को जोड़िए। ठीक है, सभी को आपको रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म भेजना है और उनको सबके नाम लिखवाना है। मेरा सबको आशीर्वाद। ठीक है, हाँ मयूर जी बोलो। आचार्य श्री गुप्ती नंदी जी गुरुदेव की जय, आचार्य संघ की जय। आप सभी से हम मिलेंगे 6:30 इसी आईडी पे, सबको अनम्यूट कर दूंगी। नमस्ते गुरुदेव।